बिहार में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। अब इलाज या जांच से मना करने पर अस्पताल सहित डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर भ्रम फैलाने वाले व्यक्ति को जेल भेजा जाएगा। साथ ही सभी सरकारी और निजी अस्पताल में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। सरकारी निजी अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बनेगा। संदिग्ध को आइसोलेशन वार्ड में बलपूर्वक भी रखा जा सकेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये एक साल तक मान्य होगा। सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 को आधार बनाया है। इसमें 6 महीने कैद और 1000 जुर्माना हो सकता है। राज्य समन्वय समिति की बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि इस एक्ट के तहत सरकार किसी भी मॉल सहित निजी परिवहन को रोक सकती है। सरकार किसी भी व्यक्ति को रेल या बस यात्रा से भी प्रतिबंधित कर सकती है। आपको बता दें कि भारत में अब तक कोरोना के 154 मामले सामने आ चुके हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।